जौनपुर में हुआ भीषण सड़क हादसा, करीब एक दर्जन से अधिक लोगों की हुई मौत। सड़क हादसे में 16 लोगों की हुई दर्दनाक मौत और 2 दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। शताब्दी बस अनियंत्रित होकर ऑटो के ऊपर पलटी। ऑटो में सवार थे 5 लोग। 5 लोगों की शताब्दी बस में दबकर हुई मौत। हादसे के दौरान एक ट्रक भी बस से टकराकर एक मकान में घुसा। कानपुर से इंदौर जा रही थी शताब्दी। आधा सैकड़ा से अधिक लोग सवार थे शताब्दी बस में। मृतक और घायलों को कानपुर हाईलाइट अस्पताल में भेजा गया। कानपुर आईजी मोहित अग्रवाल समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर जताया दुख। कानपुर के सचेड़ी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे की घटना। सर ये बस कहाँ से कहाँ जा रही थी और जो लोडर भी लोग सवार थे वो कौन लोग थे? देखिए अभी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बस लखनऊ की दिशा से आ रही थी और दिल्ली की तरफ जा रही थी और सामने से जो एक ऑटो था उससे आपने सामने की टक्कर दी है जिसमें इनकी आईडी तिरछी करीब ये 16 व्यक्ति भारत समाचार की मौत। ठीक है।